The Serum Institute of India has uh, become the first indigenous company to apply to the Drugs Controller General of India seeking emergency use authorization for the Oxford COVID vaccine in the country. The phase three clinical trial of the Oxford vaccine, COVID Shield, is being conducted by the Pune based uh, institute in various parts of the country, in addition to clinical studies being carried out by Oxford AstraZeneca in the UK and Brazil. Well, let's go across to NDTV, Sharad Sharma, uh, for the latest. Uh, Sharad, the, so, uh, this authorization was. Uh, अप्लाई फॉर ऑन संडे बिल्कुल असल में आ, फाइजर ने भी पहले अप्लाई किया था लेकिन फाइजर से बहुत ज्यादा उम्मीदें इंडिया के लोगों को नहीं थी क्योंकि उसका स्टोरेज का समस्या है और उसने इंडिया में ट्रायल नहीं किया है तो सीरम इंस्टीट्यूट वो कंपनी है एक तो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है आ, वैक्सीन मैनुफैक्चर के मामले और दूसरा आ, इसने इंडिया में है, तो सबसे ज्यादा नजरें इसी पर लगी हुई थी कि यह वैक्सीन कब आएगी तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इस कंपनी ने अप्लाई कर दिया है और जो एप्लीकेशन दी है उसमें यूके uh, ब्राज़ील और इंडिया में जो ट्रायल हुए हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको सबमिट किया गया है और उसके आधार पर जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मांगा गया है uh, जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं uh, उन्हें यह भी बता दूं कि ये और भी ज़्यादा अच्छी खबर इसलिए भी है कि फाइजर ने बेशक सबसे पहले अप्लाई uh, कर दिया था uh, लेकिन

के लिए ही सबसे ज्यादा यह वैक्सीन बनने की बात हो रही थी और अब जिस वक्त का इंतजार था वो अब धीरे धीरे अब बढ़ रहा है आगे और अप्लाई कर दिया है नब्बे दिनों का समय बताया जाता है कि डीसीजीआई को चाहिए होता है इस पर फैसला लेने के लिए लेकिन क्योंकि ये इस सीनम इंस्टीट्यूट के साथ जो पार्टनर है वो खुद आईसीएमआर है तो उतना समय नहीं लगना चाहिए और इंडिया में ट्रायल हो रहा है बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो अथॉरिटीज पहले ही देख चुकी हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नब्बे दिन का समय नहीं लगेगा जल्द ही जो है ऑथराइजेशन जो है इसके लिए मिल सकता है